कि दोनों मिलके कैसे लेजिस्लेट करेंगे, अगर दोनों का कोई इशू आएगा तो वो कैसे होगा। कंकरेंट लिस्ट के बाद अब कंकरेंट लिस्ट नहीं रही, लेजिस्लेटिव लिस्ट है शेड्यूल 4 में, जो एंट्री नंबर 50 जिसको हमने आइटम नंबर 50 जिसको हमने अब चेंज किया है, वहाँ पर नॉट इंक्लूडिंग कैपिटल गेन हटा दिया। तो इसका मतलब ये मरकज के पास है। अच्छा, एक और टैक्स होता है कैपिटल वैल्यू टैक्स, CVT जिसको हम कहते हैं, वो पहले मरकज के पास था। अब उन्होंने लिखा है कैपिटल वैल्यू टैक्स नॉट इंक्लूडिंग कैपिटल टैक्सेस ऑन इनवॉल्ड, तो वो टेक्निकली सुबह के पास चला। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूजन और भी है। कंफ्यूजन ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 2013 में पंजाब सेक्टर में अपना एक लॉ बना दिया था कैपिटल गेन टैक्स का ऑन इनवॉल्ड प्रॉपर्टी, तो मेरे ख्याल से उसकी कानूनी हैसियत को उनको रिविजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कोई लॉ फेडरल है और प्रोविंशियल भी है तो फेडरल लॉ हमेशा प्रिवेल करता है। जब फेडरल लॉ प्रिवेल करता है, चाहे फेडरल लॉ बाद में बना और प्रोविंशियल लॉ पहले बना, यानी लाइक मैं एक मिसाल दे देता हूँ, अगर फर्ज करें पंजाब गवर्नमेंट ने ये 2013 में एक लॉ बनाया था और फेडरल गवर्नमेंट 15 में बना दी, तो फिर भी फेडरल लॉ की हैसियत ज़्यादा होती है। तो ये कन्फ्यूजन है, और ये लोग मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, मगर स्टिल लोगों के जहनों में ये कन्फ्यूजन है। तो आपने अच्छा ये सवाल किया, तो मैं इसको मैंने तफसीलन आपको जवाब दे दिया, आई होप आपके नाजरी। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने से क्या इम्पैक्ट्स में है वो सामने आ सकते हैं? देखिए, इम्प्लीकेशन तो आने शुरू हो गए, डिफेंस क्लिफ्टन कराची या F-10, F-11 इस्लामाबाद, F-6 इस्लामाबाद, यहाँ की जो प्रॉपर्टीज थी उनके दाम कोई 20-30% गिर चुके हैं, क्योंकि देखिए रहने वाले या जेन्युइन बायर्स जो थे ना वो बहुत कम होते थे। मेन तो ये इन्वेस्टर क्राइटेरिया में आ जाती थी लोगों की, देखिए और आपको भी ये पता है कि जी जैसे कहते हैं ना ज़मीन तंग हो गई थी, तो जेन्युइन बायर के लिए खरीदारी ज़मीन तंग होने के मतलब आते थे। अब सवाल ये पैदा होता है, आप भी बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, कि एक आम प्रोफेशनल जो 5-5, 10-10 लाख रुपये तनख्वाह भी कमाता था, उसके लिए भी घर बनाना अपने वसाइल से बहुत मुश्किल हो गया था। अब एक प्लॉट है, मैं इसको अगर हम देखें इस नज़र से कि 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट होता था, वो अब 6-6 करोड़ रुपये, तो उन एक एक आम प्रोफेशनल के लिए ये बाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर तो इसकी आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हाइक हो रही है। अब एक घर जो था 500 यार्ड का जो हम लेते थे पहले 3-3.5 करोड़ रुपए का जो होता था, वो 8-9 करोड़ रुपए के हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी कोई आर्टिफिशियल बूम था, इन्वेस्टर्स के पास कोई रेवेन्यू नहीं था, लोगों ने अपनी इंडस्ट्रियाँ बंद करके लोगों के साथ ये ट्रेडिंग के कामों में आ गए थे। तो ये मेरा ख्याल है एक लिहाज से अब मार्केट आपकी राइट हो जाएगी, मगर अभी भी ये इशू है कि इसका जो कंसीक्वेंस है, इसका इम्प्लीकेशन है, टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा होगा। कैपिटल गेन तो अपनी जगह है, वो तो उस वक्त होगा जब 5 साल या 4 साल का मसला, बस सबसे बड़ा मसला ये है कि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अब ये पावर है कि आपके पिछले 5 सालों में जो डील हुई है आपके वेल्थ रिटर्न के हिसाब से, वो खोल सकता है, वो आपसे सवाल कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक अपार्टमेंट लिया है, उसकी वैल्यू या टेबल वैल्यू जिसको आप कहते हैं DC रेट, वो 50 लाख रुपए का आपने रजिस्टर कराया था, अगर वो समझता है कि 50 लाख का नहीं 2 करोड़ रुपये का, तो वो आपको नोटिस दे सकता है। और मेरे ख्याल से जो अंदाजन एक नोटिस आने के बाद जब वैल्यूअर के पास आप जाएंगे, और अगर वैल्यूअर ने जज के तौर पर फैसला दे दिया कि नहीं यार 1.5 करोड़ है या 1.25 करोड़ है या इवन फॉर 2 करोड़ है, तो बैलेंस 1.5 करोड़ रुपये पे वो आपको पूछ सकता है कि ये आपकी अनडिक्लेयर्ड सोर्स है जिस पर आपने टैक्स अदा नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ा, उस पर फिर आपका डिफॉल्ट सरचार्ज भी लग सकता है, इस पर पेनल्टी भी लग सकती है। ये फायलर के केस में 5 साल है और नॉन फायलर के केस में 10 साल, तो
ये एक बहुत बड़ी तलवार है जो तमाम रियल स्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने जेन्युइनली भी होम बाय की है उनके लिए भी प्रॉब्लम। अच्छा, नुकसान जो है वो अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, नुकसान का क्या आप देख रहे हैं? देखिए, नुकसान तो सबसे पहला तो ये हो सकता है कि मेरे नज़दीक इसमें लिटिगेशन बढ़ जाएगी। लिटिगेशन ऐसे नहीं, मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि ये कानून में जो सुकम रह गया है, कानून का सुकम नहीं है। अब फर्ज करें मैं एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, अगर एक वैल्यूअर ने मुझे कहा कि जी के ये 2 करोड़ रुपये की, 50 लाख रुपये मैंने रिकॉर्ड किया 2 करोड़ रुपये, मैं इसको डिस्प्यूट करता हूँ और मैं उसी पैनल से किसी वैल्यूअर की सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, नहीं जी ये तो 2.25 करोड़ रुपये की, तो वो फिर एक डिस्प्यूट हो जाएगा, फिर कोर्टों में आपने जाके सेटल करना है, तो ये एक अननेसेसरी लिटिगेशन हो सकता है। दूसरा ये है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर तो आपको पता ना, इन्वेस्टर का कोई मुल्क नहीं होता, उसको तो जहाँ रिटर्न अच्छा मिलेगा वहाँ वो चला जाएगा, तो ये थोड़ी सी जो हमारे इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है इसके तहत इंडिविजुअल पैसे बाहर भेज सकता है, तो मुझे ये भी एक डर है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है। मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लॉ जो बनाया गया है इसको मैं तो फुली सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर शुरू में जब ये लॉ हम लेके आते हैं तो हमें कुछ आसानियाँ पैदा करनी पड़ेगी, बिकॉज के आपका जो बिजनेस है ना वो टैक्स को ड्राइव करता है, टैक्स बिजनेस को कभी भी ड्राइव नहीं कर सकता। अगर टैक्स ड्राइव करेगा तो एक साल तो शायद आप कमा लेंगे वो टैक्स की मद में, मगर फिर बिजनेस एक्टिविटी जीरो हो जाएगी। तो आपकी क्या सजेशंस हैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए? मैंने सजेशंस आपने सुनी भी होंगी और बल्कि आपको पढ़ भी ली होंगी अखबारों में कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और अख्तर साहब को मैंने सजेशंस दिए हैं।